स्टूडेंट्स, इस शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विषय विज्ञान, कक्षा सातवीं, अध्याय पाँच, मापन। ठीक है, मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। तो चलिए उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर मापन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, साला हो, दुकान हो, है ना, या फिर हमको कुछ खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, मापते हैं, है ना। जैसे कि आपको ड्रेस सिलवाना है तो आप पहले कपड़ा को देखेंगे कि आपके में कितना आ सकता है, फिर उस हिसाब से आप कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, और उस दर्जी सिलने के लिए आपका क्या लेगा, नाप लेगा, है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सही माप होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है इसमें कि वैज्ञानिक अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों का तो मूल आधार ही मापन है। जितने भी हम देखते हैं कि जो भी वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं या फिर आपका प्रायोगिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अगर आप सही मात्रा में चीज़ें नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उनके लिए क्या है, मूल आधार ही क्या है, मापन है, कि वो सही सही सामान को सही सही माप में ले। ठीक है, ये हो गया आपका सही। और सूक्ष्म माप की विधियों में हम कुछ विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे वस्तु की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल या मापक फीता द्रव्यमान, है ना, मापने के लिए भौतिक तुला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम सही और छोटे छोटे चीज़ों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मापक का यूज़ करते हैं, है ना, विशिष्ट उपकरणों का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या, आपका लंबाई को मापने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर स्केल का यूज़ करते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं, फीता यूज़ करते हैं, है ना, टेप यूज़ करते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं, आपका भौतिक तुला यूज़ करते हैं। आयतन को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मापक सिलेंडर इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम चीज़ें यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि पिछले टाइम पे क्या होता था कि हम क्या करते थे, बित्ता यूज़ करते थे, हाथों को यूज़ कर लेते थे, उंगलियों को यूज़ कर लेते थे, है ना, उसमें हम माप तो लेते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो वो हमेशा सही आपको एग्जैक्ट माप नहीं दे पाता था। इसलिए हमको क्या चाहिए रहते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता ताकि हमको सही क्या बोलते हैं, माप मिल सके। ठीक है, ये सभी मापन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। और जो जो हमने देखा कि मीटर या टेप, ये सारी चीज़ें हमको यूज़ करनी रहती है, वो सारे क्या हैं, आपके प्रत्यक्ष विधियां हैं। तो अप्रत्यक्ष विधियां भी हो सकती हैं, है ना। आइए अप्रत्यक्ष विधि द्वारा इसके मापन की प्रक्रिया को, इस क्रियाकलापों द्वारा समझने का प्रयास करें। ठीक है, अभी तो हमको बहुत सारे क्या इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक्यूरेट माप ले सकते हैं, लेकिन वो सारे क्या चीज़ें, आपके प्रत्यक्ष विधियां हैं। लेकिन कुछ क्या थे इससे पहले, अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं। तो देखते हैं कि अप्रत्यक्ष विधियां क्या क्या थी, उसके लिए हम क्या करते जाएंगे, क्रियाकलाप करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्रियाकलाप क्या है आपका, एक्टिविटी है वन। ठीक है, अब उसके लिए हमको क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक रुपए के एक समान दस सिक्के, और क्या है ये, स्केल। ठीक है, हमको क्या चाहिए, स्केल चाहिए। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, ये स्केल हमने ले लिया है, और हमने क्या किया है, एक एक रुपए के दस सिक्के ले लिए हैं। तो अब हमको क्या करना है, मोटाई देखना है सिक्कों का। तो हमको क्या करना है, एक सिक्के की भी मोटाई देखनी है, दस सिक्कों की भी मोटाई देखनी है। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर क्या लिया है, एक रुपये वाले सिक्के लिए हैं, दो रुपये वाले सिक्के भी लेंगे, और क्या लेंगे, पाँच रुपये वाले सिक्के भी लेंगे, दस दस। और उसमें हमको करना क्या है, उनका हमको एक गुच्छा बना देना है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, वैसे ही आप उसको गुच्छा बनाएंगे और उसको स्केल में रख देंगे। ठीक है, स्केल में रखने के बाद आप क्या करेंगे, उसका जो शुरू सिरा है उसको देखेंगे, कहाँ तक के जा रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी मोटाई हम फिर निकाल सकते हैं। तो मोटाई कैसे निकालेंगे, चलिए सारणी एक दिया गया है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर हमने सिक्कों की संख्या कितनी ली है, दस सिक्कों की संख्या ली है। पहला वाला हमने लिया है एक रुपए का, दूसरा वाला हमने लिया है दो रुपए का, तीसरा वाला हमने लिया है पाँच रुपए का, दस दस सिक्का हमने ले लिया है। उसमें लिखा है सिक्कों की गड्डी का पठ्यांक, मतलब पहले सिरे का सेमीमीटर कितना था, दूसरे सिरे का सेमीमीटर कितना था। ठीक है, और फिर हमको क्या देखना है, सिक्कों की मोटाई, है ना, हमको देखना है कि सिक्कों की मोटाई कितनी है।
एक सिक्के की मोटाई कितनी है? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 रुपए का सिक्का 10 बार 10 टुक ले रहे हैं, तो उसकी मोटाई अलग होगी, एक सिक्के की मोटाई क्या होगी वो अलग होगी, और एक सिक्के की औसत मोटाई, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या है, अलग अलग यहाँ पर सिक्के लिए हुए हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, तो उसका औसत निकालना है कि कितना आपका आखिर में सिक्का हो सकता है ना। आपको पता है कि 1 रुपए के सिक्के की मोटाई अलग होगी, 2 रुपए के सिक्के की मोटाई अलग होगी, और 5 रुपए सिक्के की मोटाई अलग होगी, तो उसका हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने ले लिया 10 10 सिक्का, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि पहले सिरे का कहाँ पर रखना है, दूसरे सिरे का सेंटीमीटर कहाँ पर रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर कहाँ है, 1 सेंटीमीटर पे है, और दूसरा वाला क्या है आपका, 2 से 2.5 है। तो उसको एवरेज लेने के लिए हम क्या ले लेंगे, पहला सिरा हम ले लेंगे 1 और दूसरा सिरा ले लेंगे हम 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे पहला सिरा 1 सेंटीमीटर, दूसरा सिरा 3 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या करना है, सिक्कों की मोटाई देखनी है, तो सिक्कों की मोटाई देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। मतलब कि वो 10 सिक्कों का, जो एक एक का जो सिक्का है, वो 10 सिक्के की कितनी होती है मोटाई आपकी, 2 सेंटीमीटर होती है। और एक सिक्के का क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। क्या करेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है सबका, है ना, 10 सिक्कों का 2 सेंटीमीटर मोटाई है, तो एक सिक्के का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 सिक्का है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस हम करेंगे 2 रुपए सिक्कों के साथ, है ना। हम क्या कर लेंगे, 10 ठोक ले लेंगे और उसको फिर से क्या करेंगे, स्केल में रखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, और कहाँ पर जा रहा है आपका, 0 सेंटीमीटर से लेके जा रहा है वो 3 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि 2 रुपए की सिक्के की मोटाई कितनी हो जाएगी, 10 ठोक दो दो का अगर हम सिक्का ले रहे हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि 3 माइनस 0 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। और फिर से हम क्या करेंगे, एक की मोटाई को देखने के लिए, एक सिक्के की मोटाई को देखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस हम करेंगे 5 रुपए के सिक्के के साथ, तो 5 रुपए का सिक्का भी हम क्या लेंगे, 10 ठोक ले लेंगे, और 10 ठोक में क्या करेंगे, फिर से स्केल में रखेंगे। तो शुरू कहाँ रहेगा हमारा, 0 सेंटीमीटर में, दूसरा सिरा कहाँ रहेगा आपका, 6 सेंटीमीटर में रहेगा, तो उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 5 रुपए की 10 सिक्के की कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमको सिर्फ एक सिक्का 5 रुपए का कितनी मोटाई है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्योंकि यहाँ पर 10 सिक्का है, तो 10 से उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.6। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ की सिक्के की हमने क्या किया है, एक एक सिक्के की मोटाई निकाल ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.6, है ना, यहाँ पर सबको प्लस करेंगे, और यहाँ पर कितने हमारे पास, 1 2 3, और सबको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर वो क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये, ठीक है, 0.366 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही क्या है आपका, औसत है, यही आपका एवरेज रहता है। अगर कोई सा भी आप क्या कर रहे हैं, सिक्का ले रहे हैं, आप 5 का हो गया 10 का ले सकते हैं, तो वो आपका एवरेज कितना रहेगा, औसत कितना रहेगा, 0.366 रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, अप्रत्यक्ष विधि है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक्टिविटी 2। तो इसमें हमको क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री चाहिए आपका, तार का टुकड़ा, बेलनकार पेंसिल, स्केल तार की कुंडली की लंबाई को लपेट ने की संख्या से विभाजित कीजिए, वह तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करने हैं, ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, ये आवश्यक सामग्री है आपकी, हमको क्या चाहिए, तार का टुकड़ा चाहिए और एक पेंसिल चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, तार के टुकड़े को पेंसिल में क्या करेंगे, इस तरह से लपेटेंगे, ठीक है। और हमको नापने के लिए क्या चाहिए, स्केल चाहिए। अब हमको क्या करना है, तार की कुंडली की लंबाई को लपेट के संख्या विभाजित करनी है कि कितने बार लपेटा जा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। उसको फिर तार की मोटाई को ज्ञात करना है। तो तार की मोटाई को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, तार की कुंडली की कुल लंबाई, जैसे कि अगर 10 है तो 10, ठीक है, तार के लपेटों की संख्या कितने बार लपटा हुआ है, 10 बार 20 बार 30 बार, इस तरह से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसी प्रकार
30 तथा 40 लपेटों की कुंडली बनाकर तार की मोटाई ज्ञात कर सारणी 5.9 में लिखे, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको कुंडली कितने बार बनानी है, एक बार 30 बार की, एक बार 40 बार की, ठीक है। यहाँ पर हम सारणी से देखते हैं कि कैसे हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि कैसे हमको करना है। ये स्केल हो गया, ये हमारा बेलनकार पेंसिल, और ये तार लपटा हुआ है ना। तो हमने क्या किया है, तार को लपेट लिया है। उसका टर्न कितना है गिनेंगे हम, इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 बार यहाँ पर क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। और उसको हम एक देखिए यहाँ पर क्या है, 3 में है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 5.6 में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम 3 है और कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है, 5.6 में, ठीक। तो एवरेज लेने के लिए हम क्या कर लेंगे, 5.5 ले लेते हैं, क्लियर इतना। तो चलिए इसको सारणी से और अच्छे से समझते हैं। तो सारणी में क्या दिया हुआ है आपका, तार के लपेटनों की संख्या। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, 20 यहाँ पर है, ठीक है। इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, 20 ले लिया है। तार की कुंडली की लंबाई है ना, अब कुंडली की लंबाई हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ये 30 है, 3 है, ये 5.5 है। जब आप उसको 5.5 को माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 आपका आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 2.5। ये सारे क्या है आपके, सेंटीमीटर हैं, ओके। किस में लिखा गया है आपका, सेंटीमीटर है ये सारे। अब हम क्या करना है, तार की मोटाई देखनी है। तो सिंपल सर हमने देखा था कि उसका क्या करना है, हमका फॉर्मूला 2.5 को 20 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2.5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, ये तो आपका 20 टर्न था, लपेटा हुआ था, उस पर हमको बोला गया था कि ऐसे ही 30 करना है, ऐसे 40। जब हम 30 वाले से करते हैं, ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या होती है, 4। मान के चलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर रखा है ये वाले को, और वो आ जाता है आपका 4 में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लंबाई देखना है। तो क्या होगा, 4 को 0 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, तार की मोटाई देखनी है। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको 30 है, यहाँ पर 3 बार लपेटा हुआ है, तो 30 कर दीजिए। 30 बार करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0.133, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है, 40 बार लपेटना है। तो ऐसे हमने 40 बार इसको लपेट दिया, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, तार की कुंडली की लंबाई अगर देखेंगे तो मान के चलिए हमने 0 रखा है, तो यहाँ पर 6 में आ रहा है। इतना ज़्यादा हमने टर्न किया है, लपेटा हुआ है। तो 6 माइनस 0 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उसकी लंबाई कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है। और उसकी तार की मोटाई हमको देखना है, तो क्या करना है, तार की कुंडली की लंबाई से तार के लपेटे की संख्या को डिवाइड करना है। तो कितना है, 40। तो यहाँ पर 40 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 0.15, ठीक है। फिर आपको हमको क्या करना है, तार की औसत मोटाई देखनी है। जैसे हमने क्या किया था, सिक्कों की औसत मोटाई देखी थी, वैसे ही हमको तार की औसत मोटाई देखनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा एवरेज निकालना है औसत, तो सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ये कितना है आपका, देखिए 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 0.136, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जितने भी आप टर्न ले रहे हैं, 20 लीजिए, 30 लीजिए, 40 लीजिए, तो उसमें औसत कितना रहेगा तार की मोटाई का, 0.136 रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्रियाकलापन और ये भी सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये भी एक क्या है आपका, अप्रत्यक्ष विधि है मापने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्रियाकलाप है आपका, ठीक है। उसमें आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, गोलाकार वस्तु, लकड़ी के दो आयताकार गुटके, स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये देखिए कि हमको स्केल लेना है। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉल को ले रहे हैं। तो बॉल क्या है, थोड़ा सा उसका आप देखेंगे तो वो गोलाकार होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये स्पेस बच जाता है ना इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो आयतकार गुटका लेंगे। देखिए ये ऐसा करके इसको एक दूसरे से क्या करना है, पैरेलल रखना है दोनों को, ठीक है। और इसको एकदम से सटा के रखना है, और कभी भी जब आप मापेंगे तो ये ध्यान दें कि ये वाला क्या रहे, इसके सिद्ध में रहे, ये वाला इसके सिद्ध में रहे, ठीक है। और दोनों को ही हमको यहाँ पर लेना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ये
यहाँ यह ध्यान रहे कि गोलाकार वस्तु का स्पर्श करने वाले गुटकों के आमने सामने की सतहें आपस समांतरल हो और स्केल के लंबवत हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने वहाँ पर पहले ही बोला था, दोनों क्या होने चाहिए, अपने पैरेलल होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, समवल होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम कैसे, गोलाकार वस्तु का व्यास, है ना, व्यास मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आपका दूसरे सिरे का पाठ्यांक सेमी माइनस पहले सिरे का पाठ्यांक सेमीमीटर, ठीक है। तो पहला जो दूसरे सिरे का रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे किससे, पहले से। जैसे यहाँ पर क्या है आपका, देखिए अगर हम इसको ले रहे हैं 4, है ना, मान के चलिए ये क्या है आपका 4.4 है, बट हम क्या ले रहे हैं आपका, चलिए 4.4, पहला क्या है आपका 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो बस आपको वही करना है, जो दूसरा सिरा है उससे पहले को माइनस कर देना है, फिर आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका हम सारणी देखते हैं। तो पहले हमने क्या लिया हुआ है, गेंद का स्पर्श करते हुए गुटकों की स्थिति का पाठ्यांक, गेंद पहले सिरे का पाठ्यांक, दूसरे सिरे का पाठ्यांक, ठीक है। व्यास आपको निकल जाएगा, फिर आपको क्या लेना है, गेंद का औसत व्यास निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये पहले हम देखेंगे 0 सेंटीमीटर है, ठीक है, हम 0 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं। और दूसरा क्या है आपका 2, मतलब कि यहाँ पर जब हम बॉल रखेंगे तो यहाँ पर ये गुट, ये जो है आपका यहाँ रहेगा और ये वाला जो है वो यहाँ रहेगा। तो हमको क्या करना है, दूसरे से पहले को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 0.सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर, दोनों को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वही गेंद को फिर से क्या करेंगे, दूसरा गेंद हम ले सकते हैं ना, दूसरा गेंद हम ले रहे हैं, वो भी हम 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर रहे हैं, वो जा रहा है आपका 2.5, 2.5 माइनस 0 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, गेंद का औसत व्यास निकालेंगे। जब हम औसत व्यास निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे आपका, ठीक है, ये हम क्या करेंगे 2 + 2.5, है ना, उसको क्या करेंगे, देखिए ये 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2.5। तो इसका सही उत्तर क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। इतना इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 4.5 / 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी आपका एक अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो जितने भी हमने क्या किए थे अभी तक के, पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसके हम आपको उत्तर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, अपनी कॉपी के एक पन्ने की मोटाई का माप आप कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, पन्ना है, कॉपी दिया हुआ है, अब उसमें क्या दिया हुआ है, एक पन्ने की दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लगभग हम क्या करेंगे, इतना मोटा जितना भी हम ले सकते हैं, 10 पन्ना ले सकते हैं, है ना, 10 पन्ना ले सकते हैं। हमको एक निकालना है तो 1/ हम क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक पन्ने का तो हम नहीं निकाल सकते, जैसे हमने पहले भी देखा था, है ना, हमको सिक्का का निकालना था, तो सिक्का का निकालने के लिए हमने एक एक सिक्का का क्या किया था, 10 बार ले लिया था, वैसे ही हम 10 पेज ले रहे हैं और 10 पेज का हमको एक क्या निकालना है, एक मोटाई देखना है, तो हम क्या करेंगे 1/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने पन्ना का क्या कर सकते हैं, मोटाई निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक किताब के 100 पन्नों की मोटाई 10 मिलीमीटर है, उसके एक पन्ने की मोटाई का गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 100 पन्ने हैं, उसमें कितने हैं आपका, 10 मिलीमीटर है, तो क्या करेंगे हम, उसको 10 से 100 में डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैसा है आपका, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उसको एक दूसरे से डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 0.1 सेंटीमीटर। फिर है, टॉर्च के एक सेल को लकड़ी के 2 आयतकार गुटकों के बीच रखा गया, ठीक है। एक टॉर्च है 2 लकड़ों के बीच, जैसे हम गेंद को रख रहे थे वैसे ही सेल के वक्र तलों को छूने वाले गुटकों का स्केल पर पाठ्यांक, ठीक है। पहला क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है तथा 5.2 सेंटीमीटर है। सेल का व्यास क्या होगा, तो हमने क्या देखा था, दूसरे सिरे को पहले सिरे से क्या करना है, माइनस करना है, तो 5.2 माइनस क्या करोगे, 2 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 3.2
2, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3.2, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर। जितने भी हमने अभी क्या किए थे, देखे थे, है ना, तीन अप्रत्यक्ष क्या किए थे, विधियाँ देखी थी, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, ये उत्तर को डील करना है, ठीक है? आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे क्या, क्षेत्रफल, ठीक है? किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं एरिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, किसी खेत या कागज पर बने वर्ग या आयत के बड़े या छोटे होने का संबंध उसकी सतह के फैलाव से होता है। तो अगर हम खेत की बात कर रहे हैं या कागज की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या बोलते हैं हम, आयतन बड़ा है छोटा है वो हम देखते हैं कि कितना फैला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख रहे हैं, ये छोटा खेत, ये क्या हुआ है, बड़ा खेत। आप कैसे पता लगा रहे हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है? क्यों? क्योंकि उसके फैलाव से, है ना, वो जितना बड़ा है उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। जितना छोटा उसका फैलाव रहेगा उतना वो क्या रहेगा आपका, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल छोटा रहेगा, है ना। वहीं पर बोला गया है कि बड़े या छोटे होने का संबंध उसके सतह के फैलाव से, कि वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ज़्यादा फैला हुआ है ज़्यादा क्षेत्रफल है, छोटा फैला हुआ है छोटा क्षेत्रफल है, ठीक है। खेत या कागज पर बना वर्ग या आयतन जितना बड़ा होगा उसकी सतह का फैलाव उतना ही अधिक होगा। सेम चीज़ है, जितना ज़्यादा वर्ग बड़ा बड़ा होगा तो उसका सतह उतना ही फैला होगा, उतना ही फैला होगा, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। किसी भी वस्तु की सतह के फैलाव का माप उसका क्षेत्रफल है। तो किसी भी क्या है आपका, वस्तु की सतह के फैलाव, मतलब कि ये जो हम लोग फैलाव है उसको अगर हम माप रहे हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग मीटर है, वर्ग मतलब होता है क्यूबिक, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर को, ठीक है, ये क्लियर इतना, सॉरी, ये क्यूबिक मीटर वर्ग, ठीक है, वर्ग को बोलते हैं क्यूबिक, लेकिन इसको आप क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर, ठीक है। जैसे कि लिखा जाता है, यह उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। अब यहाँ पर बोल रहा है, अगर हम देख रहे हैं कि ये मीटर में है, अगर आप कुछ चीज़ें क्या ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, तो क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर। अगर आप क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर में लेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या लेंगे, इस प्रकार से उसका ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। मीटर अगर आप लंबाई ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर लेंगे तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो अब इसको आप माप कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको खेत का क्या है, आपको दिया गया है पिक्चर। यहाँ पर देखिए सलमा का है, ठीक है, यहाँ पर आपका किरण का है, ये आपका क्या है, श्यामू का है, तीन, ठीक है, इंसान है, उसके क्या दिए हुए हैं, खेत का दे दिए हैं। अब आपको बताना है कि क्या बोलते हैं, किसका जो खेत है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा उसी का क्या रहेगा, आप सॉरी, जिसका सतह ज़्यादा फैलाव रहेगा वही उसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और क्षेत्रफल के मात्राओं के गुण तथा अपवर्तक किस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ एरिया को यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक वर्ग मीटर कितना होता है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। एक एयर कितना होता है, 100 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर कितना होता है, 100 एयर होता है। वन हेक्टेयर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। वन डेसिमल कितना होता है, 40 वर्ग मीटर होता है। एक एकड़ कितना होता है, 100 डेसिमल होता है। एक एकड़ कितना होता है, 4,000 वर्ग मीटर। जैसे यहाँ पर बोला जाता है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1,000 मीटर, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल के कुछ अलग अलग क्या रहते हैं, आपके यूनिट्स रहते हैं, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 वर्ग मीटर को आप कैसे करेंगे, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करना है। अगर आपको वर्ग मीटर करना है तो आपको उतना मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर 2 वर्ग मीटर है तो 2 वर्ग सेंटीमीटर में आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो आपको उसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा, 20,000, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूनिट्स का इस्तेमाल करके इसको चेंज करना रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हम नियमित आकार आकार वाली वस्तु की सतह का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अर्धव्यास इत्यादि माप कर ज्ञात कर सकते हैं।
इस हेतु नियमित आकार की वस्तु को ग्राफ पेपर पर रखकर उसकी सीमा बनाएं तथा उस सीमा रेखा में उपस्थित समस्त वर्गों की संख्या गिनें। यह उस नियमित आकार की वस्तु का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी नियमित आकार हैं, ठीक है, चाहे वो आयतकार हो, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका वो है ना सर्कल हो, ये सारे क्या हैं, नियमित है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या है, आकार दिए हुए हैं। तो उसका सतह हम कैसे कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अर्धव्यास, ये मापकर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमको ग्राफ पेपर ले लेना है और उसमें कुछ भी चीज़ को रख लेना है और फिर वो कौन कौन सा डिब्बा कवर कर रहा है उसको हमको क्या करना है, नंबर में कर लेना है। ठीक है, फिर ऐसे करके हम उसको निकाल सकते हैं कि उपस्थिति समस्त वर्ग की संख्या गिनना है। तो कितना है यहाँ पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, यह उस नियमित आकार की वस्तु का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर के हेल्प से भी किसी भी नियमित आकार के वस्तुओं का क्या कर सकते हैं, आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नियमित सतहों के क्षेत्रफल की गणना हेतु सूत्र, यहाँ पर आपको एक सूत्र भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, आकृति दी हुई है, ये क्या है आपका आयतन, यहाँ पर उसकी लंबाई हो गई है ना ये, और इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक, तो ये क्या रहता है आपका क्षेत्रफल के लिए, आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को एक दूसरे से गुणनफल कर देंगे। फिर आता है आपका वर्ग, इसके में भी क्या करेंगे, ये सब क्या है आपका साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भुजा, दोनों क्या है इक्वल रहते हैं वर्ग का, है ना, हर एक साइड इक्वल रहता है। तो क्षेत्रफल चाहिए रहता है, तो हम क्या करेंगे, भुजा को दो से गुणित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है वृत्त, वृत्त को उसका क्या रहता है, त्रिज्या से या तो फिर व्यास से करते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या करते हैं, पाई, पाई मतलब होता है 24/7, अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका उसका वैल्यू आता है 3.14। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई इंटू त्रिज्या, त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सूत्र हैं, यही सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ये जो आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, उसका इस्तेमाल करके आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, आपको कुछ वस्तु दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पाठ्य पुस्तक का आवरण पृष्ठ, ठीक है, आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक का आवरण पृष्ठ, यानी कि यहाँ वस्तु दे दिए गए हैं, लंबाई, चौड़ाई, अर्धव्यास, सेमीमीटर, क्षेत्रफल। तो जो जो हमने सूत्र देखा था उसी का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, पाठ्य पुस्तक का आवरण पृष्ठ, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट पेज रहता है किसी भी बुक का उसका, तो मान के लीजिए हम क्या कर रहे हैं, उसका कितना है 12 सेंटीमीटर ए है ना, और बी कितना ले रहे हैं हम, 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं बी, तो इसको हम क्या करते हैं, ए इंटू बी करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका कुछ वैल्यू दूसरा हो सकता है, एज मैंने सिर्फ एज्यूम किया है ना कि 12 होगा, 6 होगा, आपका कुछ भी आप बुक्स ले रहे हैं तो उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, जो वैल्यू है। फिर आता है पोस्ट कार्ड। ठीक है, पोस्ट कार्ड का भी हम क्या ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, इसका ए और बी क्या ले सकते हैं, चौड़ाई हम क्या ले सकते हैं इसका, 4 सेंटीमीटर मान के चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6, 4 आर कितना होता है, 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे मेज का ऊपरी पृष्ठ। ठीक है, कोई सा भी मेज है उसका ऊपरी पृष्ठ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 12 ले रहे हैं। ठीक है, और इसका हम ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर, देन फिर से क्या हो जाएगा आपका, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोतल की तली का पृष्ठ। ठीक है, बोतल के तली का पृष्ठ है यहाँ पर, तो उसका क्या हो जाएगा आपका, हमने देखा था पाई इंटू क्या रहता है, त्रिज्या, है ना, त्रिज्या मतलब क्या हो रहा है आपका, आर स्क्वायर, तो यहाँ पर होता है 3.41 इंटू। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का क्या रह जाएगा, 3.4 इंटू 4। ठीक है, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4, 4 16, 6, 1, 4, 5, ठीक है, 12, ये हो जाएगा
तो ये कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका पूरा दिया हुआ है जो फॉर्मूला है, ये आयत के लिए है, ये वर्ग के लिए है, और ये क्या है आपके वृत्त के लिए है। तो यहाँ पर हमने देखा था ये सारे क्या है आपके आयत हैं, तो हमने कौन सा इसका यूज़ किया हुआ है, ए इंटू बी फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ये आपका क्या था, सर्कल के लिए था, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमने जितने भी पढ़े थे वो सारे क्या थे आपके नियमित आकार के वाले थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अनियमित आकार वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। अनियमित आकृति वाली वस्तुओं की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसी सतहों का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अगर अनियमित है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ पेपर के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पेपर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफ पेपर, एक क्या करते हैं क्रियाकलाप करते हैं, तो क्रियाकलाप में हम क्या ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं या फिर आप कुछ बुक ले सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, सेंटीमीटर, ग्राफ पेपर का एक पत्ती, पेंसिल इसके। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ग्राफ पेपर है जिसमें क्या रहता है, डिब्बा डिब्बा बना रहता है, उसमें हमने पत्ती रख लिया, पत्ती रखने के बाद उसका आउटलाइन बना दिया कुछ इस तरह से, है ना। फिर आउटलाइन के बाद हमको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। काउंट करना है कि कितने कितने डिब्बे उसमें लिए हुए हैं, ठीक है। जो आधा लिया है उसको भी आपको काउंट करना है, जो आधा लिया है देखा जिसको रेड पेन से आपका यहाँ पर शो किया गया है ना, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। कुछ इस प्रकार से जो हाफ है उसको क्या कर दिया, रेड से लिया है, जो आधा है और आधा से ज़्यादा है उसको आपको लेना है, और जो पूरा है उसको तो आपको लेना है। तो देखिए यहाँ से 1 3 1 2 3 4 से लेके आपको कितना है, 33 तक के है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करना है, ऐसे काउंट कर लेना है, और काउंट करने के बाद दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण वर्गों की संख्या, पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी थी वहाँ पर, 33, ठीक है। जैसे ये पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी है आपकी, 33 है, तो यहाँ पर हमने 33 लिख दिया। फिर आधा या आधे से अधिक वर्गों की संख्या, जैसे हमको पता था कितना काउंट किया था हमने, 15, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करने के बाद क्या आ जा रहा है उसका, 48, तो वही उसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमने ग्राफ पेपर से कैसे अनियमित वस्तु को क्या कर दिया है, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो दूसरा भी कर सकते हैं, मान के चलिए कितना है आपका, 15 है, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं 15, ठीक है। मतलब कि 15 आपका वर्ग पूरा था, 15 आपका आधा या आधा से ज़्यादा था, तो हम क्या करेंगे, 15 और 15 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 30, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30। तो 30 क्या है आपका, क्षेत्रफल है। हम क्या ले सकते हैं, किसी भी पत्ती लिया था, है ना, हम क्या ले सकते हैं, आप दूसरी पत्ती ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार की पत्ती, उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनियमित आकार को कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनके उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, उत्तर देना है, जो भी हमने देखा है ना क्षेत्रफल निकालने का, बस वही आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं रेलगाड़ी के एक टिकट की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.0 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये क्या आपका आयत है, आपको चौड़ाई दे दी है, मोटाई दे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 15 16, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 16.5 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, दोनों को बस मल्टीप्लाई करने हैं और फिर आपको सही उत्तर मिल जाएगा। फिर है, आप किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो सेम चीज़ है, हम क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे, ग्राफ लेने के बाद हम उसका उस चीज़ को रख देंगे अनियमित वस्तु को, फिर उसका आउटलाइन लेंगे, फिर उसका पूरा वर्ग लेंगे, उसका आधा वर्ग को गिनेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे कि पूरा वर्ग अगर 30 है, आधा वर्ग उसका 15 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 45, तो वही उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ
गया होगा, ठीक है। किसी गिलास की गोल पेंडी का अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब होता है त्रिज्या, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 3.5, और 3.5 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, 5 5 कितना हो जाता है 25, 5 2 15 16 17, ठीक है, 15 6 7 प्लस कर दीजिए 12, ठीक है, 7 8 9 हो जाएगा 9.25 × 3.41, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो इसका उत्तर होगा। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक बताइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सिर्फ ये है, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है, ये आपको करना है, ठीक। आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।